दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इसमें हम तीन बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत और रूस को लेकर है, वहीं दूसरी खबर भारत द्वारा जारी की गई चेतावनी यानी कि नोटाम को लेकर है, वहीं अंतिम खबर अमेरिका द्वारा लिया गया भारत का पक्ष को लेकर है, जहां पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। इन तीनों ही खबर के ऊपर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसमें भले ही सारा क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले जाएं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उतने ही हकदार हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, इंटरनेशनल मंच पर भारत का महत्व भी दुनिया को समझ में आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज फ्रांस जर्मनी भारत के संपर्क में है, यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान भारत से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहीं रूस से भारत की लगातार बातचीत हो रही है। वहीं युद्ध के बाद से ही 15 दिन के अंदर 3 बार मोदी पुतिन की बातचीत हो चुकी है और अब एक बार फिर से रूस से भारत के लिए फोन आया है। रूस के प्रधानमंत्री वगैरह लगातार भारत के टच में हैं और रूस पर लगते सैंक्शन के बीच भारत से व्यापार जारी रखने पर लगातार बातचीत चल रही है। इसी बीच भारत में आज रशिया यूक्रेन को लेकर पीएम मोदी जी ने तत्काल मीटिंग बुलाई थी और उस पर भी रशिया के साथ व्यापार चालू रखने की योजना बनाई जा रही है। भारत पहले ही अपनी चिंता इस युद्ध की वजह से जो महंगाई आने वाली है उस पर जता चुका है। ऐसे में जहां रशिया ने भारत के लिए स्पेशली कम पैसों में तेल और गैस का ऑफर दिया है, वहीं भारत से हार्डवेयर और कई स्पेयर पार्ट्स वगैरह की सप्लाई चालू करने की मांग कर रहा है। तेल और गैस को लेकर 2 दिन पहले ही रूस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में इसके दाम कितने भी बढ़ जाएं, हम भारत को कम पैसे में मुहैया कराएंगे, और इसका ऑफर भी उनके द्वारा भारत को दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस मंगाता है और इस समय दोनों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस समय तेल के दाम 110 से 130 डॉलर प्रति बैलर तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में यह भारत के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि तेल के प्राइस बढ़ने का असर फल और सब्जी सब पर पड़ता है। साथ ही रूस के द्वारा जो हाल ही में भारत से बात की गई है, उसमें भारत से कई सामानों की सप्लाई रूस अपने देश में चाहता है। नाटो और अमेरिका जहां रूस को किनारे कर दिया है और कई सामानों के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा चुके हैं, साथ ही सैंक्शन भी लगा दिया है, ऐसे में भारत के लिए रूस के साथ व्यापार में दिक्कत आने वाली है। मगर भारत रूस की मांग को जरूर पूरा करेगा। यही वजह है कि रूस द्वारा सबसे ज्यादा कॉल भारत को ही किया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत एक बड़ा मार्केट है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारी प्यारी डीआरडीओ की तरफ से आई है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करते हुए नोटाम इशू कर दिया है, यानी कि एरिया वार्निंग इशू कर दिया है। यानी कि काफी समय की खामोशी के बाद एक बार फिर से भारत एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी यह नहीं बताया गया है कि किस मिसाइल का परीक्षण हम करेंगे। पीछे भी डीआरडीओ ने कई नोटाम जारी किए थे, लेकिन उसके परीक्षण को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई थी, और कहा जा रहा था क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस वजह से डीआरडीओ ने परीक्षण नहीं किया होगा। खैर ऐसा मुझे नहीं लगता, बाकी परीक्षण होता है तो उस पर हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से भारत के लिए आई है। दरअसल दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक जाकर गिरी थी, उसको लेकर मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाने जा रहा है, और इसके लिए सभी यूएन के परमानेंट मेंबर को उसके द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है। साथ ही जो यूएन के नॉन परमानेंट मेंबर है उनको भी चिट्ठी लिखने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। जब पाकिस्तानी DGISPR का बयान आया था और जब भारत ने मिसाइल वाली बात कबूल ली थी, तभी मैंने कहा था कि इस मौके का फायदा पाकिस्तान जरूर उठाना चाहेगा और भारत को इंटरनेशनल मंच पर साथ ही यूएन में भी घसीटने की कोशिश कर सकता है। अब जो खबर पाकिस्तान से आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिवाय चाइना की उसकी कौन सुनेगा, क्योंकि अन्य 4 परमानेंट मेंबर अमेरिका रशिया यूके और फ्रांस है, और इन 4 के पाकिस्तान किससे संबंध खराब है, तो वहीं इंडिया के साथ संबंध मजबूत है, ये पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद इतना हाय तोबा पाकिस्तान क्यों मचा रहा है। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए उनकी आर्मी के पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनली आवाज पाकिस्तान लगा रहा है, जिससे भारत दोबारा सच में अटैक ना कर दे पाकिस्तान के ऊपर। वहीं पाकिस्तान को करारा जवाब अमेरिका ने भी दे दिया है। उसने साफ कहा है कि यह भारत की तरफ से जानबूझकर नहीं किया गया है, इसलिए पाकिस्तान इसे भूल जाए। अमेरिका ही नहीं, दुनिया का हर अखबार इसको एक्सीडेंट ही करार दे रहा है, और ये कोई नया नहीं है, ऐसा पहले भी अमेरिका यूके के साथ भी हो चुका है, क्योंकि अगर भारत को अटैक ही करना था तो उसमें वॉरहेड जरूर होता। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।